देश को संबोधित किया 8 बजे। करीब 8 बजे से जब ये संबोधन शुरू हुआ तो देश की जनता की निगाहें अपनी टीवी स्क्रीन पर ही टिकी हुई थी और सुनना चाह रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब घोषणा करने वाले हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही संबोधन शुरू किया, सभी लोगों को यही उम्मीद थी कि लॉकडाउन क्या खत्म होने वाला है या फिर आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन एक्सटेंड होने के पूरे पूरे संकेत बीते दिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी तभी मिल गए थे, क्योंकि 5 राज्य ऐसे थे जिन्होंने सुझाव दिया था कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इस वक्त देश को जरूरत है लॉकडाउन की, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत तेजी से पैर पसार कर रहा है। अब आज की अगर बात कर लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से संबोधन शुरू किया उस तरीके से आपको बताते हैं कि कहाँ से उन्होंने अपनी बात रखी। देश में पहले एक भी पीपी किट और N95 मास्क का निर्माण नहीं होता था और आज के समय में 2 लाख से ज्यादा पीपीई किट और N95 मास्क का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ उनको सप्लाई भी किया जा रहा है। वहीं अगर आर्थिक पैकेज की अगर बात की जाए तो आर्थिक पैकेज में भी 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई। इस पैकेज की घोषणा होते ही एक अलग ही मुस्कान जनता के चेहरे पर देखी जा सकती है। हाल में ही सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ है उसे जोड़ दें तो करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में भूमि, श्रम, नकदी और कानून सभी का बल दिया गया है। अगर बात की जाए तो मध्यम वर्ग की, तो मध्यम वर्ग का भी खास ख्याल रखा गया है। अभी अगर बात पर ध्यान दिया जाए तो कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की गई है उसके साथ ही भारत को आत्मनिर्भर एक नए तरीके से बनाना है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान एक अहम पैकेज जिसके जरिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। बता दें किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने धीरे धीरे शुरुआत की है। देश की जनता को जब उन्होंने संबोधित करना शुरू किया तो उन्होंने तमाम पुरानी बातें भी याद दिलाई कि भारत किस तरीके से प्रगति कर रहा था और प्रगति का प्रभाव विश्व की प्रगति पे भी पड़ता है। अगर भारत कोई भी काम करता है तो उसका प्रभाव विश्व पर भी पड़ता है। जब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था तब भी विश्व के हित में सोचता था, उसके बाद जब गुलामी का दौर आया भारत में तब भी भारत ने विकास का सोचना बंद नहीं किया था, लेकिन आज इस पर भारत विकास की ओर है। आपको बता दें Y2K संकट के समय में भी भारत ने दुनिया को इस संकट से निकाला। भारत के पास एक बेहतरीन टैलेंट है, इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि भारत के पास जो टैलेंट है बाहरी देशों में शायद ही हो। बेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे और हर भारतीय को लोकल होने की जरूरत बताई है, क्योंकि पहले कभी भी ब्रांड्स का यूज नहीं होता था, अब स्वदेशी बनना होगा हमें पूरी तरह से। वही कोरोना के आगे झुकना नहीं है मंजूर, न हारना है न झुकना है, हमें चाह के साथ राह बनानी होगी, क्योंकि जहां चाह है वहीं मंजिल है। अगर हम इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे तो कोरोना से तो हम जीत पाएंगे ही, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से आज एक आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की गई है 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज जरूर आगे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पैकेज की जो घोषणा की है, हर वर्ग के लोगों का इसमें ध्यान रखा गया है। अगर भारत की जीडीपी की बात की जाए तो ये पैकेज भारत की 10% जीडीपी के बराबर होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि हर भारतीय को एकजुट होना जरूरी है, साथ ही साथ लोकल होना पड़ेगा भारतीयों को, क्योंकि स्वदेशी चीज यूज करेंगे तभी इस अर्थव्यवस्था को हम संभाल पाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप ब्रांड ही यूज करके आगे बढ़ें। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया है। वहीं आपको बता दें कि आने वाले समय में 17 मई को जब लॉकडाउन 3.0 खत्म हो जाएगा तो इस पर आगे लॉकडाउन एक्सटेंड करने की जो तारीख तय की गई है 18 मई, यानी कि 18 मई से लॉकडाउन 4.0 में हम प्रवेश करेंगे। आगे जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि लॉकडाउन 3.0 में हल्की राहतें मिली हैं, अब बड़ी राहतों के साथ हम इस लॉकडाउन के नए चरण में प्रवेश करेंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक और बात बता दें कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो
घोषणा की गई है इस पैकेज की, इसकी तमाम और घोषणाएं भी होंगी आने वाले 1 से 2 दिन में। जो घोषणाएं होंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जरिए होंगी ये घोषणाएं। तो एक बार आपको बता दें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक नई गति नई दिशा देने के बारे में कहा है, 5 पिलर की बात की है, जिनमें पहला पिलर है इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जो भारत को मजबूती दे, दूसरा पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक भारत का पहचान बने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, तीसरे की बात की जाए तो हमारा सिस्टम, यानी कि रीति नीति नहीं 21वीं सदी के सामने सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित ये सिस्टम होगा, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर चौथे पिलर की बात की जाए तो डेमोग्राफी, दुनिया के सबसे बड़ी डेमोग्राफी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी की बात कही है, जो हमारा ऊर्जा का स्रोत है। वहीं अगर बात की जाए तो अगले 5वें पिलर की बात की जाए तो डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई की अगर बात की जाए तो ये जो चक्र है डिमांड और सप्लाई का, इसको बरकरार रखना होगा, क्योंकि इसकी जरूरत है डिमांड बढ़ाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए सप्लाई चेन को मजबूत करना बेहद जरूरी है। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो 2020 में, यानी कि 20 लैक्स का पैकेज इन 2020 जिसको घोषित कर दिया गया है, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह पैकेज बेहद जरूरी है, क्योंकि इस वक्त भारत में जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई चल रही है उसको संभालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी विचार विमर्श किया है, क्योंकि इस वक्त ये भारत की जरूरत बन चुका है। आने वाले समय में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ और घोषणाएं करेंगी देश के हित में, जैसे कि अगर बात की जाए ट्रेन्स की शुरुआत हो चुकी है, आज 12 मई से शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आने वाले समय में और क्या क्या घोषणाएं होंगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या कोरोना को हम हराने में समर्थ हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी राजेश शर्मा जुड़ चुके हैं। राजेश से बात करेंगे कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है देश की जनता को, शुरुआत उन्होंने भारत को जब सोने की चिड़िया कहा जाता था वहां से की, और खत्म आज की टेक्नोलॉजी पे किया, और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जो पैकेज की घोषणा की है। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब लॉकडाउन के चौथे चरण की घोषणा एक तरीके से कर दी गई है, तो आपको क्या लगता है अब कोरोना और अर्थव्यवस्था को किस तरीके से संभाल पाएंगे? जी कोमल, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई थी, उसी समय से ये ख्याल लगातार लगाए जा रहे थे कि देश में जो लॉकडाउन की अवधि को एक बार फिर से बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि आज हमें पीएम मोदी की स्पीच के बाद ये हमें सुनने को मिला और ये कन्फर्म हुआ कि लॉकडाउन की अवधि को 17 मई के बाद बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि कब तक इस अवधि को बढ़ाया जाता है और क्या इनके नियम होकर क्या नए दिशा निर्देश केंद्र सरकार की ओर से जारी किए जाएंगे, उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि इस बीच ये जरूर इस बजट के लिए जो भाषण आज पीएम मोदी ने देश की जनता को दिया है, देश के नाम संबोधन दिया है, उसमें ये सबसे बड़ी बात है कि 20 लाख के जो आर्थिक पैकेज का पीएम मोदी ने ऐलान किया है। हालांकि ये सुनने में बहुत ज्यादा बड़ा पैकेज लग रहा है, लेकिन जब इसको जमीनी स्तर पर उतारा जाएगा और किस तरह से इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी, उसके बाद ही इसको लेकर ज्यादा कहा जा सकता है। क्योंकि अगर सरकार के सालाना बजट की हम बात करें तो सरकार इस साल का जो सालाना बजट है वो लगभग 30 लाख करोड़ का जो सरकार का बजट है, उसमें से 20 लाख करोड़ के बजट का सरकार ने ऐलान किया है, एक आर्थिक पैकेज का जो सरकार ने ऐलान किया है। तो देखना है आज दिलचस्प होगा कि किस तरह से ये सरकार इस पैकेज को बांटती है, किस तरह से जो मजदूर है,
आम जनता है या मध्यवर्गीय परिवार है उनको किस तरह से इसका लाभ मिलता है। अगर पिछले कई दिनों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पिछले से पिछली मीटिंग की थी उस वक्त ये कहा था, ये जो आपदा आई है इसको एक अवसर बनाना है। जो चीन से कंपनियां लूट गई हैं, देश लूट गए हैं, उसको एक अवसर बनके भारत को उभारना है, तो उसकी तैयारी भी कर ली गई। उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ विचार विमर्श भी किए, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से जो बाहरी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, उनको आकर्षित करा जा सकता है। कोमल, जिस तरीके से लॉकडाउन कोरोना संकट की वजह से पूरा देश पूरी दुनिया जूझ रही है, उसके मद्देनजर अगर देखा जाए तो लगातार केंद्र सरकारों की ओर से, राज्य सरकारों की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी ने जो ऐलान किया है, जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, उसे देखते हुए जो अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पर लाने के लिए, और जो मजदूर लोग हैं या देश के जो भी जितने भी सेक्टर हैं उनको आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए इस पैकेज का ऐलान किया गया है। और साथ ही साथ आपने अगर सुना भी होगा, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जिन पीपीई किट्स को हम नहीं बनाया करते थे इससे पहले, उन लगभग 2 लाख से ज्यादा पीपीई किट का निर्माण भारत में हो रहा है। N95 मास्क, जिसका हम इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे इससे पहले, उनका निर्माण काफी बड़े स्तर पर हो रहा है। तो देश में बहुत ही एक जो इससे पहले कार्य नहीं होते थे वो कार्य किए जा रहे हैं, और एक वैश्विक स्तर पर भी भारत लगातार जो अपनी रणनीति तैयार कर रहा है, किस तरह से वैश्विक जो नीति है उसको आगे लाया जाए और दुनिया में किस तरह से भारत की छवि को बनाया जाए। इससे पहले भी जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी है, उन्होंने भी ये संकेत दिए थे कि भारत जो है वो विदेश नीति के ऊपर भी लगातार काम कर रहा है। और ये जो कोरोना संकट के बीच जो एक अवसर के रूप में भी लगातार पीएम मोदी इसे देखने की बात कर रहे हैं, तो उस अवसर को किस तरह से जो केंद्र सरकार है अपनाती है, किस तरह से उसे देखती है, उसके ऊपर भी लगातार जो है चर्चाएं की जा रही है। बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्प की बात की और 5 पिलर की बात की, जिसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है, जो 5वां अगर पिलर की बात की जाए, डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई चेन को मजबूती देना, इस तरीके से उन्होंने कहा है कि हमें लोकल होना पड़ेगा, हर भारतीय को लोकल होना पड़ेगा, स्वदेशी चीजों का उपयोग करना होगा, क्योंकि पहले ब्रांड का इतना ज्यादा यूज नहीं होता था, तो अब जो स्वदेश में चीजें बनेंगी वो स्वदेशी चीजों का यूज करना होगा और लोकल बन के आगे आना होगा, क्योंकि अगर भारत की चीजें हम भारतीय ही यूज करेंगे तो बाहर में जिस तरीके से प्रोडक्ट और क्वालिटी की बात की है, तो प्रोडक्ट अच्छा बनाएंगे तो जरूरी है इसके लिए हमें लोकल होना। तो इस पर क्या कहना चाहिए, अगर बाहरी देशों की बात की जाए तो भारतीय सामान की, जो प्रोडक्ट की बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोकल की अगर बात की है तो कोरोना संकट के कारण जो आयात निर्यात पर जो है प्रतिबंध लगा हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो बाहरी देशों से यात्रा प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो इस तरह से सामान का आयात निर्यात होना भी उतना ज्यादा मुश्किल हो रहा है कि सब एक हिसाब से। और दूसरी ओर जहाँ पर जो स्वदेशी की बात, जो लोकल रहने की बात पीएम मोदी ने की है, उसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि जितना हम अपनी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, अपनी घर की चीजों का इस्तेमाल करेंगे, अपनी देश की चीजों का इस्तेमाल करेंगे, जो सामान की कॉस्ट है, जो भी उसकी वैल्यू है, वो कम हमें पड़ेगी। तो उसकी ओर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने इशारा दिया है और लगातार वो इस ओर प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले भी पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि जो मास्क है वो खुद घर में बनाए, किसी भी तरीके से जो अपने पास जितने भी संसाधन है मौजूदा समय में उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, और जितना हो सके इस कोरोना महामारी से लड़ने में अपना योगदान दें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। तो इसी तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी लगातार देश की जनता का आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। किसी न किसी तरीके से जो लीडर फ्रॉम फ्रंट की जो रणनीति होती है कि एक लीडर जो है सामने रहकर अपने पूरे सेना को जो है वो सहारा देता है, उनका नेतृत्व करता है, तो इसी तरीके की छवि पीएम मोदी के उसमें देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश। एक बेहतरीन तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कोरोना से लड़ने की जो जंग में हमारा साथ दे रहे हैं, हमें लीड कर रहे हैं और नए नए योजनाएं जनता के लिए ला रहे हैं, काबिले तारीफ है। लेकिन आने वाले समय में ये देखना बेहद जरूरी होगा कि लॉकडाउन 4 जब लागू होगा तो क्या क्या और बड़ी घोषणाएं होती, क्योंकि जो बड़ी घोषणा है वो तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर ही दी है। साथ ही साथ एक और भी बात कही है कि आने वाले 1 से 2 दिन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भी घोषणाएं
घोषणाएं करने वाली हैं। क्या होंगी वो घोषणाएं, क्योंकि पहले से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर लॉकडाउन 4.0 लागू होता है तो कुछ बड़ी राहतें मिलेगी। हालांकि राहतें मिलना लॉकडाउन 3.0 से ही शुरू हो गया था, लेकिन लॉकडाउन 4.0 में किस तरीके से ये राहतें मिलेंगी ये आने वाला समय ही बताएगा। तो इसी के साथ फिलहाल अब के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। कटक से लेकर कन्याकुमारी तक नहीं छूटेगी एक भी खबर, वो चाहे कश्मीर की हो या फिर कोलकाता की। खेल के मैदान से सियासत के दंगल तक, हर स्टेट से आपको कराएंगे रूबरू स्टेट 29 में। स्टेट 29 मतलब चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर।